अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले अभी लिए हैं, उनके संदर्भ में आपको सूचित करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पहला निर्णय है ई वेस्ट पार्क से संबंधित। पूरे देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब का यूज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और देश भर में अभी कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है कि देश का पहला अपनी तरह का ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में बनाएगी और इसमें साइंटिफिक और एनवायरमेंटल तरीके से जो भी ई वेस्ट है उसकी डिसमेंटलिंग का, उसकी रिफर्बिशिंग का, उसकी रिसाइकिलिंग का और उसके जो भी मटेरियल होंगे वेस्ट में उपलब्ध उससे रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। तो इससे बहुत एक बड़ी राहत मिलेगी। अभी भी दिल्ली में और देश भर में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जो भी ई वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत इनफॉर्मली हो रहा है। हर जगह मशरूमिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ या इनफॉर्मल तरीके से बिजनेसमैन अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं और ये भी सुनने में आता है कि जब वो प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें देश भर के कई हिस्सों में कि ई वेस्ट मैनेजमेंट की फलानी फैक्ट्री में आग लग गई या कहीं कोई कबाड़खाना था उसमें कुछ ऐसा हो गया, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए बहुत साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिकली साइंटिफिक तरीके से, एनवायरमेंटली साइंटिफिक और सेफ तरीके से जो दुनिया में ई वेस्ट पार्क हैं उनके मॉडल्स को स्टडी किया गया है और उसके बेस पर एक 20 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ पार्क बनाया जाएगा। दिल्ली में लगभग 200,000 टन कचरा जो है ई कचरा हर साल प्रोड्यूस होता है, तो इस सब के मैनेजमेंट में और भविष्य की ज़रूरतों को भी देखते हुए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं इस संबंध में, अलग अलग राज्यों के लिए के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी कहीं काम नहीं शुरू हुआ है। हमें खुशी है कि दिल्ली में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसको आज कंसल्टेंट अपॉइंट करने को आज दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। तो एक तो फैसला इसके संबंध में था। दूसरा फैसला दिल्ली में टूरिज्म के डेवलपमेंट, टूरिज्म का इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने और इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू टूरिज्म को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें पूरे के पूरे टूरिज्म सेक्टर को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है इसको लेके दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाई है। तो आज कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी की कुछ खास बातें हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव पॉलिसी है जो हमारी टीम्स ने मिलकर पूरी रिसर्च करके देश और विदेश की जितनी भी फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, टूरिज्म पॉलिसीज़ हैं, फिल्म और टूरिज्म के प्रमोशन को किस तरह से ब्लेंडेड करके यूज़ किया गया है ताकि वहाँ जॉब्स बढ़ें, ताकि इकोनॉमी में योगदान दें और ताकि एक लोगों के मन में प्राइड भी पैदा हो और पैरेलल इकोनॉमी में सपोर्ट हो। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं उनको भी स्टडी किया गया, देश की फिल्म पॉलिसीज, देश की फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज को भी स्टडी किया गया और उसको सबको करके दिल्ली के आधार पर दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट विजन, तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, ये अपने आप में सिनेमा वर्ल्ड को साथ ला के होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री, आर्टिस्ट्स, टूरिस्ट की, टूरिज्म से रिलेटेड और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, बसेस हैं, कैब्स हैं और बहुत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्किल, सेमी स्किल जॉब्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, इन सब की एक इंक्लूसिव पॉलिसी है। तो इसमें कोई एक वो नहीं है और इस सबको मिला के एक टूरिज्म के थ्रू ग्रोथ का एक रास्ता बनाया गया है। इससे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, इससे नए सेक्टर्स भी आगे खुलेंगे। इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखूं तो इसके चार ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं।
सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को दिल्ली से कैसे एसोसिएट करें, फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, हर आदमी अपने दिल्ली पे प्राउड महसूस कर सके, ये पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखती है। दूसरा, दिल्ली की ब्रांडिंग हो, जो भी फिल्में बन रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें दिल्ली एक फिल्म शूटिंग लोकेशन के ब्रांड के रूप में सामने आए, उसको हमने ध्यान में रखा है। तीसरा, जो हर एक एजेंसी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें खासतौर से डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री है, उसके चाहने वालों की एक नई, मतलब फिल्म्स भी प्रमोट हो, ऐसा नहीं है कि खाली जॉब्स की बात हो, फिल्म्स भी प्रमोट हो, आर्ट एंड कल्चर प्रमोट हो, और इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसा मैंने पहले अपने विजन में बताया कि सेमी स्किल्ड स्किल्ड जॉब्स नए क्रिएट हों, अधिक से अधिक लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हों और इकोनॉमी में आगे बढ़ाए, तो इस तरह का एक इंक्लूसिव ग्रोथ, और सिर्फ फिल्म सेक्टर का नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फील्ड्स हैं उन सब की ग्रोथ को लेकर साथ चले, इसको विजन में लेकर चल रहे हैं। फिल्म पॉलिसी क्या कहती है, ये नई फिल्म पॉलिसी जो सरकार ने लागू की है, मंजूरी दी है इसको, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स को ठीक करना। अभी तक देश भर में, दुनिया भर में, दिल्ली में अगर किसी को फिल्म शूटिंग करनी होती है तो वो अलग अलग एजेंसीज को अप्लाई करता है, उसको अगर एक ही व्यक्ति को तीन डिफरेंट लोकेशंस पे फिल्म शूट करनी है तो पहले उसको ओनरशिप ढूंढनी पड़ेगी, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस किसके पास है, फलानी रोड किसके पास है, फलाना पार्क या सिग्नेचर ब्रिज किसके पास है, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर उन जगह अप्लाई करेगा, फिर उन जगह उसको फॉलो करने के लिए टीम्स लगानी पड़ती हैं, तो ये सब को खत्म करती है एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये फिल्म पॉलिसी लेके आई है। कंप्लीट सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लियरेंस, कहीं किसी को कोई एक एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को किसी दफ्तर को विजिट करने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ई पेमेंट होगा, ई एप्लीकेशंस होंगी और 15 दिन के अंदर अंदर सारे अप्रूवल्स दिए जाएंगे, और इसमें हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट भारत सरकार की ओर से इसमें पहले से नोडल एजेंसी के रूप में दिया गया था, तो अगर कहीं कोई एजेंसी डिले करती है या कोई कारण बताती है तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको बताना होगा। तो इसकी हम एक ई पोर्टल इसके लिए लेके आ रहे हैं, ई फिल्म क्लियरेंस के नाम से। ई फिल्म क्लियरेंस में दिल्ली की करीब 25 से ज़्यादा एजेंसीज को एक साथ लाया गया है, और ये मोर और लेस वही एजेंसीज हैं जिनको एक फिल्म शूटिंग करने वाले लोग, एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जरूरत पड़ती है शूट करने के लिए, इनके पास भागने के लिए, तो अब किसी को अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा। 25 से ज़्यादा एजेंसीज को सिंगल विंडो, ई पेमेंट, ई क्लियरेंसेस, और कहीं इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, इंक्लूडिंग DDA, सारी एजेंसीज, दिल्ली सरकार की सब सारी एजेंसीज जितनी भी हैं, मल्टी लेयर एजेंसीज हैं, सब की सब, और 15 दिन के अंदर अंदर सबको इसमें जारी करना होगा परमिशन। तो किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के लिए दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि अलग अलग एजेंसीज के पास कैसे भागेगा, तो इसमें सारी एजेंसीज को साथ लेके ये पॉलिसी बनाई गई है और सबकी सहमति से बनाई गई है। दूसरा, इसमें पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन है। एक तो मैंने कहा इंस्टीट्यूशनल ऑफर है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफर करती है, दूसरा पॉलिसी लेवल का एक फ्रेमवर्क ऑफर करती है जो बहुत प्रोग्रेसिव है, जिसमें हमने काफ़ी इंटरनेशनल मॉडल्स को स्टडी किया है। हमने दुनिया भर के फिल्म लोकेशंस में शूट होते हैं, वहाँ किस तरह से डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको फिल्म ब्रांडिंग के लिए उन्होंने कैसे यूज़ किया, तो इस पे हमने कोई भी दिल्ली में जो फिल्म बनेगी, दिल्ली में जो फिल्म शूट होगी, उसको हम सरकार की ओर से सब्सिडी दे सकते हैं उसके खर्चों में, और उसके टोटल कॉस्ट जो उसकी लो लेवल की, मैं अभी डिटेल बताऊंगा, पर लगभग 3 करोड़ तक की उसको सब्सिडी दी जा सकती है फिल्म प्रोडक्शन के लिए उसके, लेकिन डिटेल्स होंगे कि किस आधार पे दी जाएगी और कैसे दी जाएगी। तो कोई फिल्म अगर शूट हुई दिल्ली में तो वो कितने दिन शूट हुई, नंबर ऑफ शूटिंग कितने थे दिल्ली में, लोकेशंस जो हैं उनकी कंटेंट और ब्रांडिंग, ऐसा नहीं है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे तो अंदर रेस्टोरेंट का शॉट दिखा दिया, दिल्ली की ब्रांडिंग कैसे हो रही है, दिल्ली की लोकेशंस का कंटेंट कैसे दिखाया जा रहा है उसमें, दिल्ली कैसे एस्टेब्लिश हो रही है, कितनी देर तक पूरी फिल्म में दिल्ली एस्टेब्लिश हो रही है, इसको लेके उसके पॉइंट्स होंगे। तीसरा है लोकल आर्टिस्ट सपोर्ट स्टाफ स्किल्ड क्रू जो काम करेगा, बड़े बड़े आर्टिस्ट तो निश्चित रूप से जहां देश में वो रहते हैं
वो चाहे कोलकाता में हो, चेन्नई में हो, या मुंबई में हो, या दिल्ली में हो, जहां भी रहते हैं, लेकिन जो लोकल आर्टिस्ट हैं, सपोर्ट स्टाफ है, स्किल्ड क्रूज हैं दिल्ली के, उनको कितना उसमें इस्तेमाल दिया किया गया है, उनके लेवल पर कितना खर्चा यहाँ पे किया गया है, और पूरी फिल्म के प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में दिल्ली में एक्चुअली कितना खर्चा किया गया है, तो इसको देखते हुए फिल्म को पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके बेस पर किसी फिल्म को सब्सिडी दी जाएगी। दिस सब्सिडी विल बी मैक्सिमम अप टू 3 crore rupees। हाउएवर, जो लोअर कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोअर कॉस्ट में जैसे आर्टिस्ट को हायर करना या दिल्ली में खर्चा करना, वो जो क्लेम करेगा कि हमने दिल्ली में इतना खर्चा किया है, उसका 10% से 25% तक सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी। ये हमने यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी है, इंटरनेशनल लेवल पर बाकी जगह भी है, यूरोपियन कंट्रीज के काफ़ी प्रोग्रेसिव देश जहाँ फिल्में शूट होती हैं और जो फिल्मों की वजह से एक बड़ी ब्रांड बने हैं, उनमें हमने देखा है। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है फिल्म पॉलिसी का। दूसरा ये भी देखा जाएगा कि जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, हम चाहते हैं कि नए फिल्म प्रोड्यूसर्स भी आएँ, जो फिल्म जो लोग दिल्ली में शूट करते रहे हैं वो भी आएँ, लेकिन साथ साथ जिन्होंने अभी तक दिल्ली में फिल्में नहीं बनाई हैं वो लोग भी दिल्ली में शूट करने के लिए आए, तो उसके आधार पे भी उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे। इंटरनेशनल लोकेशंस में दिल्ली को हम आगे लेके आना चाहते हैं, और दिल्ली के देश के दुनिया के बहुत सारे शहरों के साथ में सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स हैं, जैसे मॉस्को के साथ था, जापान के कुछ शहरों के साथ हैं, जर्मनी के शहरों के साथ हैं, इस तरह से कई शहरों के साथ में हैं, तो उनके साथ में भी वहाँ के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए, इस पूरे सब्सिडी के लिए और इन पॉइंट्स के आधार पर फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का दिल्ली फिल्म फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए होगा। दूसरा, एक दिल्ली फिल्म कार्ड, दुनिया भर में ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है फिल्म लोकेशन, फिल्म शूटिंग लोकेशंस के लिए, एक दिल्ली फिल्म कार्ड प्रोड्यूसर्स के लिए जारी किया जाएगा। इस कार्ड को 1 lakh rupees में होगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि जो प्रोड्यूसर्स रेगुलर दिल्ली में शूट करते हैं या करना चाहते हैं, हम दिल्ली के बहुत सारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों को, होटल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लोगों को अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ एम्पैनल करेंगे, और इस कार्ड को जो लोग इस कार्ड के जरिए दिल्ली में शूट करने की फैसिलिटी अवेल करना चाहेंगे उनको हम डिस्काउंट्स दिलवाएंगे। तो एक तरह से दिल्ली के फिल्म के, जब कोई प्रोड्यूसर बाहर से आएगा, अगर वो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का 1 lakh rupees वाला वो कार्ड, दिल्ली फिल्म कार्ड होल्डर है, बहुत सारे देशों में इस तरह के कार्ड चलते हैं, तो उस कार्ड के होल्डर को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ की इंडस्ट्री से, सरकार के पास, टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास में, जो हमारे पास एम्पेनल्ड होटल्स हैं, कैब के लोग होंगे, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होंगे, उन सब की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स भी सरकार की ओर से उनको दिलवाए जाएंगे। एक और चीज़ फिल्म पॉलिसी में इंपॉर्टेंट है कि अभी तक दिल्ली में दिल्ली का कोई अपना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं होता था। एक नेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल होता है जो बहुत पहले यहाँ से गोवा शिफ्ट कर दिया गया था, दिल्ली का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नहीं होता है। तो अब दिल्ली में भी हर साल एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ करेगा। दूसरा, एक और नए अवार्ड्स शुरू किए जाएंगे, जो दिल्ली में शूटिंग होगी फिल्मों की, दिल्ली के लोअर लेवल के आर्टिस्ट, स्किल लेबर्स और इन सबको लेके जो लोग फिल्म शूट कर रहे होंगे ज़्यादातर, उसमें से बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट को तो अवार्ड होता ही है, डायरेक्टर्स को तो अवार्ड होता ही है, तो जब हमारा फिल्म एक्सीलेंस अवार्ड होगा, लोअर लेवल स्टाफ के लिए भी उसमें अवार्ड्स होंगे। तो ये भी हमारी फिल्म पॉलिसी कह रही है, और इस पॉलिसी को ठीक से लागू करने के लिए दिल्ली के टूरिज्म सेक्टर को, दिल्ली की इकोनॉमी को, दिल्ली के जॉब सेक्टर को इससे फ़ायदा मिले और दिल्ली की ब्रांडिंग को इससे फ़ायदा मिले, इसके लिए दिल्ली फिल्म एडवाइजरी बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। मैं आपको मतलब पूरे देश और दुनिया के जो आपके माध्यम से फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म बनाने वाले लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बहुत प्रोग्रेसिव फिल्म पॉलिसी दिल्ली में बनाई है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों की राजधानियों से हमने सीखा है, उनकी फिल्म पॉलिसी से सीखा है, उनके एक्सपीरियंस से सीखा है, और फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की नीड से सीखा है। हमारी टीम्स ने बहुत कंसल्टेंसी की फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ में, डायरेक्टर्स के साथ में, और उसके बाद ये पॉलिसी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि ये नए जॉब्स भी देगी और इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देगी, बहुत इंक्लूसिव ग्रोथ का साधन बनेगी पॉलिसी। थैंक यू। 50 करोड़ आपने बताया पूरे फिल्म के लिए, एक साल के लिए। हाँ, एक साल का 50 करोड़ का। सर, एक मुस्तफा
जाफराबाद का मामला है, पहले फिल्म पॉलिसी पे बात कर लो और कुछ। उसके लिए अभी बजट नहीं, अभी तो वो आर्किटेक्ट उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है, तो उसके लिए तो जो भी सरकार की ओर से बजट की जरूरत पड़ेगी, सरकार इन प्रिंसिपल क्योंकि अप्रूवल है वो तो होगा ही होगा। सर ई वेस्ट को हम ज्यादातर मानते हैं मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप चिप्स होते हैं, लेकिन दिल्ली में ई व्हीकल्स की बड़ी संख्या में बैटरी का एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो प्रॉब्लम है, क्या उसका भी कुछ? वो सब भी आएगा, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट होता है। उसमें पहले से कल बताया भी था कि एक अच्छा दिल्ली में सारे स्कूल्स में दिल्ली के सारे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था चल रही है। अब उसको लेके कुछ कुछ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ अच्छे से सारी बच्चियाँ, हर धर्म हर जाति की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, डिग्निटी है और सबको कहीं कोई हमारी तरफ से कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, सबके परंपराओं का सम्मान करते हुए होता है। और जो मैंने भी पूछा इसके बाद कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है, कहीं किसी एक केस में कहीं प्रॉब्लम हुई और उसको किसी टीचर ने कुछ बोला, वो बहुत उस तरह का है। सरकार की ओर से हमारे स्कूल सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत केयर करके एक एक बच्चे को अपनी तरफ से हम लोग कदर करते हैं।